अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं, वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो जिस तरह से अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के बिल्कुल उसी तरह से करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग, ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डेल का वैल्यू निकालते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल, तो इसको हम इस तरह से देख सकते हो, 1122 1122। ठीक है, इसको वैल्यू तो 0 आ जाएगा, 2 2। ठीक है, अच्छा फिर हम लोग क्या करते हैं, जब डेल के वैल्यू 0 आ जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, डेल 1 और डेल 2 का वैल्यू निकालना पड़ता है। डेल का वैल्यू जब 0 आता है तो दो केस होता है, दो केस क्या क्या होता है, इन्फाइनाइट सोल्यूशन और एक होता है दूसरा नो सोल्यूशन। तो इन्फाइनाइट सोल्यूशन कब होगा, जब डेल 1 डेल 2 का वैल्यू 0 आएगा, और नो सोल्यूशन का होगा जब डेल 1 या डेल 2 का वैल्यू नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो चले तो डेल 1 का क्या हो जाएगा, यही वाला पार्ट हो जाएगा 1 2 1 2, बट एक्स के जगह पर कॉन्स्टेंट 2 4, इसको सॉल्व करने से 0 आ रहा है। ठीक है, डेल 2 में भी क्या लिखते हैं, डेल को ही लिखा जाता है 1 2 1 2, बट 2 किसके साथ, वाई को हटा के कॉन्स्टेंट नंबर 2 4, तो इसमें भी हम लोग क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। डेल 1 डेल 2 इक्वल टू डेल इक्वल टू 0, ये तीनों के 0 आ गया। दैट मीन्स द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज मैनी सोल्यूशन, हैज मैनी सोल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। ठीक है, हाँ बस बिल्कुल इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट, ये हमको शो करना है। ठीक है, और नॉट मतलब ये है कि नहीं है ये हमको बताना है। तो जब भी तीन इक्वेशन रहेगा, दो वेरिएबल, ठीक है, तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। तो फर्स्ट मेथड क्या है ना, चलिए देखिए, a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2, और a3x + b3y = c3 इज कंसिस्टेंट, इज कंसिस्टेंट। इस टाइप का सिस्टम कब कंसिस्टेंट होता है, इज कंसिस्टेंट इफ जब जब a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 का डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करने से 0 आता है तो दैट मीन्स ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, अदरवाइज इनकंसिस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको चेक करते हैं ना, इसको चेक करते हैं। इस क्वेश्चन ये जो हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया, 2 1 13 6 3 18 और 1 -1 -3। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 * क्या आ जाएगा, -9 + 18, -9 + 18 यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर -1 -18 -18 -36 * -36। ठीक है, +13 -6 -3 -9। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या, 18 + 36 - 13 = 117, यानी कि 117। क्या इसको सॉल्व करने से 0 आएगा, क्या दिस इज नॉट 0। ठीक है, ये 0 नहीं आ रहा, दैट मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, है ना, जब भी डेल के वैल्यू है ना, तो इसमें नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, दैट मीन्स इनकंसिस्ट। ठीक है, तो इट है ना, इट इज इनकंसिस्ट,
ठीक है, ये क्या हो गया, इनकंसिस्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसका सेकंड मेथड, इसका सेकंड मेथड की ओर। सेकंड मेथड में क्या करेंगे ना, सेकेंड मेथड, जब भी तीन इक्वेशन दिया रहेगा दो वेरिएबल का, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तीन वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, 2x+y +0 × z = 13। ठीक है, 6x+3y +0 × z = 18। x-y +0 × z = -3। ठीक है, अब हम लोग जिस तरह से बेसिकली किसी को भी सॉल्व करते थे उसी तरह से करते जाएंगे। तो यहाँ पर डेल, सबसे पहले क्या करेंगे, डेल का वैल्यू निकालेंगे, तो डेल के वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 6 1 1 3 -1 0 0 0 एक्सपेंडिंग अलोंग थर्ड कॉलम, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम लोग डेल वन निकालेंगे। ठीक है, डेल वन में क्या होता है, एक्स की जगह पर कोफिशंट मतलब कॉन्स्टेंट टर्म लग जाएगा, 13 18 -3 1 3 -1 0 0 0, तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। और ये डेल टू दैट मीन्स वाई, वाई के जगह पर कॉन्स्टेंट टर्म, तो 2 6 1 इसके जगह कॉन्स्टेंट, 13 18 -3। ठीक है, और यहाँ पर 0 0 0 0, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 0 आ जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे डेल थ्री क्या हो जाएगा, जेड, जेड के जगह पर कॉन्स्टेंट टर्म, 2 6 1 1 3 -1 और 13 18 13 18 -3। ठीक है, तो ये जो फिगर है, ये जो डिटरमिनेंट है, आपको देख के कुछ याद हो रहेगा। फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या किए थे, 2 6 1 2 6 1 1 3 -1 1 3 -1, यही वाले लिखे थे, इसी को सॉल्व किए थे ना, आए थे ना। तो ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो वही आएगा, देख लीजिएगा, तो -9 + 18 यानी कि 9, -1 × 6 3 = 18, -18 -36। ठीक है, -13 × -6 -3 -9, नहीं यहाँ +13 होगा। ठीक है, तो 18 --+36 और यहाँ पर -107। ठीक है, तो ये यार इसको सॉल्व करने से ≠ 0 है ना। अब हम लोग क्या जानते थे, डेल के वैल्यू 0 आ गया है ना, और बाकी डेल वन डेल टू डेल थ्री का वैल्यू भी 0 आ गया, तो इनफिनाइट सोल्यूशन, अदरवाइज अदरवाइज नो सोल्यूशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं डेल इक्वल टू 0। ठीक है, बट डेल वन डेल टू नॉट इक्वल टू डेल थ्री, ये तीनों इक्वल नहीं है क्या, इक्वल नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों तो 0 है, डेल है ना, यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं डेल वन डेल टू इक्वल टू 0, बट डेल थ्री नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इट हैज मैनी सोल्यूशन है ना, द गिवन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज मैनी नो सोल्यूशन, सॉरी नो सोल्यूशन, तो नो सोल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्ट। ओके, आप समझ रहे, तो यही वाला पार्ट कहाँ पर था, फर्स्ट मेथड में। ठीक है, तो आपको पता चल गया फर्स्ट मेथड डायरेक्ट आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। ओके, अब हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 8। ठीक है, देखिए, तो एग्जाम्पल नंबर 7 8 में होमोजेनियस है ना इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है, कोई भी जनरल इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, AX = B के फॉर्म में लिख सकते थे। ठीक है ना, लिखते ही थे है ना, अगर बी का वैल्यू 0 आ गया, बी वेयर वेयर B = 0, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको हम लोग AX × B, बी क्या रहता है कॉन्स्टेंट टर्म, तो 0 0 0 है, दैट मीन्स ये क्या होमोजेनियस इक्वेशन है, ये भी होमोजेनियस इक्वेशन है ना। ठीक है, अच्छा, अगर होमोजेनियस इक्वेशन में हम लोग देखा जाए, ठीक है, तो डेल डेल क्या होता है, ए को बोला जाता है डेल है ना, ए को क्या बोलते हैं डेल। ठीक है, अगर हम लोग डेल वन का बात करेंगे, डेल वन में क्या होता है कि
कि एक्स के जगह कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं, तो एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट क्या, 0 0 0, अगर 0 0 0 लिखेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो 0 आएगा। उसी तरह से डेल टू, डेल टू में क्या करेंगे, वाई के जगह कांस्टेंट लिखा जाता है, ठीक है, तो कांस्टेंट डेल्टा 0 0 0 यानी कि 0 होगा। डेल थ्री, डेल थ्री में जेड के जगह पर कांस्टेंट लिखा जाता है, जेड के जगह पर कांस्टेंट क्या है, 0 0 0, तो 0 0 जाएगा। ओवरऑल डेल वन डेल टू डेल थ्री इक्वल टू 0 इन होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो होमोजेनियस इक्वेशन में डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे डेल वन डेल टू डेल थ्री की वैल्यू 0 होता है। ओके, ये था थोड़ा सा। अब हम लोग जानते हैं कि अगर, अब हम लोग बचा क्या, डेल, अगर डेल नॉट इक्वल टू 0 आ गया, अगर डेल डेल का वैल्यू, डेल का वैल्यू, अगर डेल का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो यूनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर डेल का वैल्यू 0 आ गया तो यहाँ पर दो केस होता है, एक एक तीनों 0 होगा, ठीक है, और तीनों तीनों में से कोई एक नॉन जीरो होगा या फिर तीनों नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये होमोजेनियस में तो तीनों 0 ही होगा, तीनों यहाँ 0 दिया हुआ, तो ये केस तो होगा ही नहीं, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि नो सॉल्यूशन का, तो नो सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं ना, तीनों तो 0 दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग कौन सा ले रहे हैं, होमोजेनियस सॉल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन ले रहे हैं, ठीक है ना। तो या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो इन्फिनेट सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन में क्या आएगा, तो यूनिक सॉल्यूशन में एक्स का वैल्यू क्या होता है, डेल वन बाय डेल, वाई के वैल्यू क्या होता है, डेल टू बाय डेल, और जेड के वैल्यू क्या होता है, डेल थ्री बाय डेल, या सब होता है ना। तो एक्स डेल वन के वैल्यू तो 0 है, 0 बाय कुछ भी, 0 बाय कुछ भी क्या होता है, 0, ये भी 0 और ये भी 0, क्योंकि डेल वन डेल टू डेल थ्री के वैल्यू तो 0 है ना, कहाँ पर, होमोजीनियस इक्वेशन में, और नीचे डेल के वैल्यू तो 0 नहीं है ना, ये 0 नहीं, ये नॉन जीरो नंबर है, ठीक है। तो 0 बाय समथिंग क्या होता है, 0 आ रहा है बस, तो 0 0 0, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0 सॉल्यूशन, इसको क्या बोला जाता है, 0 सॉल्यूशन, इस केस को बोलते हैं 0 सॉल्यूशन या तो ट्रिवल सॉल्यूशन, क्या बोला जाता है, ट्रिवल सॉल्यूशन, ठीक है, और इसको बोला जाता है नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन। अब यहाँ पर डेल के वैल्यू क्या है, 0 है ना, यानी कि 0 बाय 0, तो बताए थे कि 0 बाय 0 आएगा, डेल वन डेल टू और डेल थ्री तीनों के वैल्यू क्या है, 0 है। अगर हम एक्स वाई जेड के वैल्यू निकालेंगे इस केस में, तो क्या आ जाएगा, 0 बाय 0, 0 बाय 0, 0 बाय 0, दैट मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसको बोला जाता है नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन, क्या बोला जाता है, नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ओके, चलिए ये मैं आपको याद दिलाते जा रहा हूँ, ठीक है, वैसे तो हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो बोला कि सो दैट द इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, जब डेल वन डेल टू डेल थ्री और डेल सबका वैल्यू 0 आए, तो ये हम लोग देख सकते हैं कि होमोजेनियस है, होमोजेनियस इसका मतलब क्या हुआ, डेल वन डेल टू और डेल थ्री का वैल्यू तो 0 आ ही रहा है, ठीक है। अब हम लोग फाइनली किस में चेक करना है, डेल में चेक करना है, ठीक है। तो ये था हम लोग एग्जाम्पल 7 नंबर, ठीक है, तो हम लोग सिर्फ क्या करना, डेल, नाउ चेक करेंगे डेल के वैल्यू, नाउ डेल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 1 -6, 3 -1 -2, 1 -1 2, एक्सपेंड कर देंगे तो 1 इंटू -2 -2, तो -4 -4, ठीक है, -1 इंटू 3 2 6 + 2 8, 3 2 6 + 2 8 हो गया, ठीक है। तो ये -6 इंटू -3 + 1 -3 + 1 -2, तो -4 -8 -1 + 2 का ओवरऑल 0 आ गया, यानी कि डेल का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन, यानी कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, लिखेंगे सो हियर डेल इक्वल टू 0, डेल इक्वल टू 0 है ना, ये सिस्टम में डेल इक्वल 0 दे रहा है, द गिवन
सिस्टम ऑफ इक्वेशन इक्वेशन इज नॉन ट्रिवल, हैज नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन, हैज नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन। प्रूव्ड, ठीक है। तो कभी भी नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन बोलेगा तो क्या करेंगे, डेल इक्वल टू जीरो शो करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया बात। चलिए आप चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, एग्जाम्पल नंबर 8 है ना। तो बोला गया है क्या, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसको क्या करना है, सॉल्व करना, ठीक है। तो डेल इक्वल टू क्या करना है, डेल इक्वल टू क्या करना है, जीरो, क्योंकि होमोजेनियस है। तो डेल वन डेल टू डेल थ्री की वैल्यू तो पता ही है क्या होता है, जीरो। तो सॉल्व करना है, दैट मीन्स एक्स वाई जेड के वैल्यू निकालना है, ठीक है करते हैं। तो डेल इक्वल टू जीरो नहीं, डेल के वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। हमको शो नहीं करने बोला नॉन ट्रिवल, तो डेल के वैल्यू, डेल वन का वैल्यू तो पता है, डेल वन का वैल्यू, डेल टू का वैल्यू, डेल थ्री की वैल्यू पता है, कहाँ से, फ्रॉम होमोजेनियस, होमोजेनियस इक्वेशन, ये तो होता ही होता है, ठीक है। अब हम लोग डेल के वैल्यू निकालेंगे, तो डेल के वैल्यू क्या हो जाएगा, वो थ्री वन टू माइनस फोर वन, थ्री फाइव माइनस टू टू, फाइव माइनस टू टू, ठीक है ओके। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, थ्री इंटू टू प्लस सिक्स एट, माइनस माइनस प्लस फोर, टू प्लस फोर सिक्स, ठीक है। टू अंजा टू और माइनस फोर, माइनस माइनस प्लस फोर तो सिक्स, ठीक है। प्लस फाइव इंटू थ्री माइनस टू वन, तो यहाँ पर देख सकते हैं थ्री जा 24 प्लस 24 प्लस फाइव, 48 प्लस फाइव तो 53, ठीक है 53 आ गया, डेल के वैल्यू क्या आ गया, 54, 53, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल, क्रेमर्स रूल में क्या होता है, एक्स इक्वल टू डेल वन बाय एक्स, ठीक है। तो डेल वन का वैल्यू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई है ना, यहाँ पर देख सकते हैं एक्स इक्वल टू, सॉरी डेल वन बाय डेल, ठीक है, एक्स इक्वल टू डेल वन बाय डेल। तो डेल वन का वैल्यू कितना है, जीरो, डेल वन के वैल्यू क्या है, जीरो बाय कुछ भी जीरो आएगा। उसी तरह से वाई के वैल्यू डेल टू बाय डेल, तो डेल टू का वैल्यू क्या है, जीरो, जीरो बाय कुछ भी जीरो। और जेड के वैल्यू समझ में आ रहा है, डेल थ्री बाय डेल, तो डेल थ्री की वैल्यू क्या, 0/53, यानी कि जेड का वैल्यू जीरो, हेंस हेंस एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो एंड जेड इक्वल टू जीरो, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। यह था क्वेश्चन नंबर 8।